नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हमारी मेहमान है जयपुर घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना विधा लाल जी। पहले हिस्से में हमने उनके उस शुरुआती दिनों के बारे में बातचीत की जब उन्होंने तय किया या उनके परिजनों ने ये तय किया कि उन्हें कथक करना है, लेकिन अब बातचीत इसके आगे की, यानी कथक कैसे उनकी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, कथक के साथ वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगी, इस हिस्से में इस पर बातचीत देखिए। चलिए विदा, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में बातचीत शुरू करते हैं। और इसका जो पहला प्रश्न है मेरा, वो यही है कि अगर आप अपने ही बैच को याद कर लें, जिस उम्र में आप कथक केंद्र में गई थी सीखने, उस वक्त अगर मैं मान लेते हैं लेट से 10 बच्चे रहे होंगे या 20 रहे होंगे या 30 रहे होंगे, उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसने सीखा होगा लेकिन फिर वो कथक कर रहा होगा आज, ये जरूरी नहीं है। यानी प्रश्न सीधे तौर पर यह है कि वहां पर सीखना और फिर ये तय करना कि नहीं मुझे कथक ही करना है, भले ही मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, भले ही मेरे पास कोई इस फील्ड का कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन मैंने सीखा है, मैंने मेहनत की है और मुझे कथक करना है, ये कब तय किया? तो एक्चुअली मैं 12th क्लास में थी जब, तब मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। तब ऐसे ही अपने अपने पिताजी से डिस्कस किया था कि पापा डांस तो मैं करती हूँ पर मुझे लगता है मुझे फैशन डिजाइनिंग करना चाहिए, डांस भी होता रहेगा, क्योंकि तब तक मैंने ये तय नहीं किया था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम जितना अच्छा डांस करती हो मुझे नहीं लगता कि तुम फैशन डिजाइनिंग इतनी अच्छी कर पाओगी, तुम डांस में आगे बढ़ो। और उन्हीं दौरान ऐसा हुआ कि कुछ प्रोग्राम्स यूरोप के टूर्स मुझे मिले मेरे गुरु के माध्यम से। जब मैंने वो टूर्स करने शुरू किए इतनी कम उम्र में और मैंने बाहर की दुनिया देखी एज अ प्रोफेशनल, 11th 12th क्लास में थी जब मैंने 98 में पहला टूर किया था, आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, और 30 दिन में 26 शोज यूरोप में। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझ में कुछ ऐसी बात है कि मैं अपनों से 10-10 11-11 साल बड़े डांसर के साथ एक प्रोफेशनल बन के जा रही हूँ डांस करने, आई वॉज ओनली 16। तो थोड़ा सोचने पे मजबूर हुई, फिर मुझे लगा कि शायद यही मेरा पाथ है जो मुझे आगे बढ़ना है। तो 12th क्लास के बाद आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड आई डिसाइडेड कि मैं कथक ही करूंगी, इसलिए मैंने बीए पास कोर्स लिया, जबकि मैंने 12th में टॉप किया था। मैं चाहती तो कोई ऑनर्स कोर्स भी ले सकती थी, लेकिन मैंने आर्ट्स लिया और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना डांस भी कंटिन्यू किया और डांस कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद तो मैं बिल्कुल एकदम एकाग्र होके मुझे था कि मुझे डांसर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही करने वाली हूँ, मुझे पता है कि यही चीज मुझे खुशी देती है और यही चीज मुझे नाम भी देगी। फिर बस 12th क्लास आप कह सकते हैं जी। अच्छा, जैसे भरतनाट्यम में होता है कि एक एक तय समय तक सिखाने के बाद बकायदा एक अरंगेत्रम होता है जिसमें गुरु से परमिशन लेके उसका शिष्य का पहला जो परफॉर्मेंस होता है, क्या आप में और गीतांजलि जी में भी कभी इस तरह की कोई बातचीत हुई कि गुरुजी क्या मैं अब इतनी परिपक्व हो गई हूं कि मैं अपना प्रोग्राम करूं, या उन्होंने खुद से आकर कहा कि नहीं विधा अब तुम्हारे नृत्य में मैं वो क्लास देख सकती हूं या वो कला उस लेवल तक परिपक्व हो चुकी है कि अब तुम अकेले जाकर मंच संभाल सकती हो और तुम मेरा और इस आर्ट फॉर्म का नाम खराब नहीं करोगी, कम से कम अच्छा ही करोगी, ऐसा कुछ हुआ या प्रोग्राम आया और बस प्रोग्राम करना शुरू कर दिया? तो एक्चुअली मैं क्योंकि कथक केंद्र में सीख रही थी तो मेरे इनिशियल 13 साल कथक केंद्र में एक इंस्टीट्यूट के अंदर थे, तो वी वर अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, जिसमें पहले 5 साल के कोर्स के बाद एक मंच प्रवेश होता है, फिर उसके बाद आगे की आप 3 साल थोड़ा एडवांस सीखते हैं, फिर मंच पे आपकी प्रस्तुति होती है, फिर 3 साल सीखते हैं फिर मंच पे प्रस्तुति होती है, फिर 2 साल सीखते हैं फिर मंच पे प्रस्तुति होती है। तो मेरी प्रस्तुति बाकायदा इस प्रकार से रही, तो वो कथक केंद्र के माध्यम से रही।
लेकिन कथा केंद्र के माध्यम से मुझे इतनी बार मंच मिला, क्योंकि कथा केंद्र उस समय अपने जो टॉप स्टूडेंट्स होते थे जिनको स्कॉलरशिप्स मिलते थे उनको सोलो परफॉर्मेंस के लिए बड़े बड़े फेस्टिवल्स में भेजा करते थे। तो मैं उस जमाने से ही कथा केंद्र के लिए एज अ सोलो परफॉर्मर जाती थी। सो दैट वॉज पार्ट ऑफ माई आई मीन दिस थिंग कि मैं एक इंस्टीट्यूशन में सीख रही हूँ, दैट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो मतलब वो सीखते सीखते मंच पे भी कैसे परफॉर्म करना है वो भी ट्रेनिंग साथ साथ में मैं लेती गई। तो ऐसा कभी मौका आया नहीं कि जब गुरुजी ने कहा कि तुम तैयार नहीं हो, बल्कि वो रेपर्टरी चीफ थी 99 में 2000 में, और मैं तब स्टूडेंट ही थी कथक केंद्र की, तो वो प्रोफेशनल डांसर्स के साथ भी मुझे हमेशा कहती थी कि तुम भी डांस करोगी इसमें। वो खुद ही मुझे पकड़ के लाती थी कि नहीं तुम्हें करना है और तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी। तो मैंने हमेशा आगे बढ़ के जो भी उन्होंने कहा, मतलब एक अच्छे शिष्य की तरह जैसा गुरु ने कहा वैसा, जी जी गुरु जी बिल्कुल। तो ऐसा हमारे बीच में कभी डिस्कशन नहीं हुआ। आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे गुरु और इंस्टीट्यूशन दोनों बहुत अच्छे मिले। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, जो आपकी ही कही पिछली लाइन से जुड़ा हुआ है कि आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हैं, गुरु के तौर पर भी, मिलने के तौर पर भी, और संस्थान मिलने के तौर पर भी। लेकिन अब जब पिछले जितने भी वर्ष, एक एक बच्चे के तौर पर, फिर थोड़ा एक बड़ी उम्र के तौर पर, और अब एक मेच्योर्ड कलाकार के तौर पर, जिसने अब कथक की दुनिया दुनिया में अपना एक नाम कर लिया है, कभी ऐसा लगता है कि जो कलाकार, जो शुरुआत में हम लोग कह रहे थे कि पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, साहब ये जयपुर घराने के फला परिवार की पीढ़ी से चले आ रहे हैं, या ये बनारस घराने की फला पीढ़ी से चले आ रहे हैं, और एक कलाकार जिसकी कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है, जिसके पास इस तरह का कोई एक सर्टिफिकेशन नहीं है, क्या कला की दुनिया इन दोनों कलाकारों को अलग अलग तरीके से देखती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग आलोचक हैं, जो कला की आलोचना कर, मतलब आलोचनाएं लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, समीक्षक हैं, हाँ समीक्षक हैं, जी क्या वो लोग इन दोनों श्रेणी के कलाकारों को अलग अलग निगाहों से देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, कला अपने आप में अगर परिपक्व है तो फिर कोई कसौटी नहीं है, सारी कसौटी कला ही है? अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हाँ, जो लोग पीढ़ी के कलाकार हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी बेहतर है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी बहुत आसानी से आती है और वो उन मंच पे जा सकते हैं बहुत आसानी से जिनपे जाने के लिए मेरे जैसे कलाकार बहुत सालों तक रियाज करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बैकिंग नहीं है। मेरे मतलब पीढ़ी के कोई ऐसे, मैं ऐसे किसी फैमिली ट्री से नहीं बिलोंग करती हूँ जो कि आर्टिस्ट हैं, तो ये जरूर है। लेकिन जहां तक समीक्षक या रसिक की बात करें या आलोचकों की बात करें, वो तो किसी को नहीं छोड़ते। उनके लिए तो कला सर्वोपरि है, तो वो चाहे, बल्कि मुझे लगता है उस केस में जो लोग किसी फैमिली ट्री को बिलोंग करते हैं और जो सालों से जिनके जीन्स में डांस या म्यूजिक है, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो बचपन से उसको देखकर बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं उसी माहौल में। हम तो उस माहौल में बड़े भी नहीं हुए, हमें तो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को समझाना पड़ता था कि नहीं प्रोग्राम में जाना है, लेट आएंगे या फिर रिहर्सल है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे परिवार मतलब मेरे जो मम्मी पापा के साइड से जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, आज तक किसी ने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा। क्योंकि उनको कला से कोई मतलब ही नहीं है, वो कला और संगीत ताल है क्या है उससे बहुत दूर है, वो कभी नहीं आए और वो कभी समझे भी नहीं। तो हमको इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हमारे लिए जो कसौटी है वो और भी ज्यादा हो जाती है कि जब हम लड़ झगड़ के इसमें हैं तो हमें अपने आप को प्रूव करना है, और हम अपने आप को प्रूव सिर्फ अपनी कला से कर सकते हैं, क्योंकि बैकिंग तो कोई है नहीं, सपोर्ट कोई करने नहीं वाला। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो घर वाले कहेंगे देखा हमने तो कहा था पहले इसमें कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो इसीलिए बहुत कड़ी मेहनत करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और मैंने भी शायद वही किया, मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल परिवार में शादी होने से या लाल सरनेम होने से मुझे प्रोग्राम मिलने शुरू हुए, मैंने बहुत मेहनत करी है उस नाम को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी गुरु का नाम जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जो भी समीक्षक है वो किसी के रिश्तेदार नहीं लगते, उनको अच्छा अच्छा काम देखना है, और वो अच्छा काम जिसका भी होगा वो उसी की तारीफ करेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। अच्छा, आपने अभी ये जो अपने
पिताजी के पक्ष से परिवार का हवाला किया, तो मुझे लगता है कि ये भी पूछना जरूरी हो जाता है कि ठीक है कि पिताजी को बहुत शौक था, पिताजी खुद लेकर गए, उन्होंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही कहा कि तुम फैशन डिजाइनिंग से बेहतर कथक करोगी, लेकिन क्या कभी रिश्तेदारों ने पिताजी को ये सब कहा क्या कि क्या कर रहे हो, बेटी है, बेटी को कुछ और ऐसा सिखा दो, क्या ये कथक वथक सिखा रहे हो, बाहर ट्रेवल करेगी, अकेले जाएगी, ये होगा वो होगा, जो हमारे समाज में तमाम तरह की चुनौतियां बेटियों के लिए अक्सर घर वालों से ज्यादा बाहर वाले करते हैं, क्या ऐसा भी हुआ? बहुत हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, और रिश्तेदारों से ज्यादा जो बाकी आस पड़ोस के लोग थे उनको भी काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि घुंघरू लेके जा रही हैं, वो छन छन बैग बज रहा है, कभी घर में झुके से रियाज कर रहे हैं तो घर में से घुंघरू की आवाज आ रही है, तो काफी कुछ सुनना पड़ा। बट मम्मी पापा बहुत खुले विचार के हैं, तो उन्होंने सबकी बातों को सुना, बहस किसी से नहीं की और दूसरे कान से निकाल दिया। अल्टीमेटली कहा कि करना वही है जो हम चाहते हैं, और बेटा हमें कोई भी इससे ना परेशानी नहीं है, क्योंकि पापा खुद जर्नलिस्ट हैं, और आप भी, मतलब आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो होते हैं उनकी सोच कितनी खुली सोच होती है, वो कितना पढ़ते हैं, कितना जानते हैं चीजों को। तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि बेटा जिस भी चीज में आगे बढ़ो, जिस भी चीज को सीखो, उसमें ऐसा सीखो कि आप सक्सेस में पहुंचो। तो तुमने नृत्य को चुना है तो ऐसा आगे बढ़ो कि बस फिर पीछे मुड़ के मत देखना। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बट हाँ, मेरे आस पड़ोस के और सब लोगों ने कहा, मुझ तक बात नहीं पहुंची, पर हाँ मुझे पता लग जाता था कभी कभी कि ऐसा किसी ने कहा, और बहुत होता था ये, और उस टाइम पे तो और भी ज्यादा होता था। अभी तो फिर भी लोगों के पास में थोड़ी सी वो है नॉलेज, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। पहले तो ये कहते थे कि तुम कमाओगे कैसे, नाच गाना करके तुम्हारा जीवन कैसे चल पाएगा। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, आपका घर चल जाता है डांस करने से। तो ये अभी थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है लोगों के पास में। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन ठीक है, वो भी दौर निकल गया। कभी कभी डर भी लगता था किसी को कहने में कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, कि पता नहीं वो किस नजर से देखेंगी भी, या कौन सा डांस करती हैं, क्योंकि लोगों को क्लासिकल डांस भी नहीं पता। वो क्लासिकल डांस बोलने का, अच्छा वो जो फिल्मों में होता है वो वैसा वाला डांस आप करती हैं, और तो पहले सोच के बोलना पड़ता था कि मैं क्या बोलूं कि मैं कौन सा प्रोफेशन करती हूँ। ठीक नहीं, ये चुनौती तो अब भी है, अब भी इस देश में सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि अगर आप मुझे लगता है कि बड़े से बड़े संस्थान में चले जाएं और कह दें कि सिर्फ 5 तबला वालों बजाने वालों के नाम बता दें, या 5 सितार वादकों के नाम बता दें, या 5 कथक डांसर्स के नाम बता दें, मुझे लगता है बहुत बहुत ही सीमित लोग होंगे जो शायद बता पाएंगे, वरना वो ठीक है कि जाकिर भाई का नाम आ जाएगा, पंडित रविशंकर जी का नाम आ जाएगा, महाराज जी का नाम आ जाएगा, शायद सितारा देवी जी का नाम आ जाएगा, वरना लोग उस तरह से जागरूक नहीं है हमारी शास्त्रीय कलाओं को लेकर जिस तरह से होना चाहिए उनको, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारी मिट्टी की खुशबू सब कुछ कहीं है तो वो हमारे हमारी शास्त्रीय कलाओं में है। विधा, अब तो बिल्कुल मतलब इतने सारे कार्यक्रम हो चुके हैं कि उसकी उसको उंगली पे गिनना संभव नहीं है, लेकिन वो कुछ 3-4 कार्यक्रम अगर आप एक एक फास्ट फॉरवर्ड में बता सकें जो आपको हमेशा याद रहते हो, संभवतः पहला बड़ा कार्यक्रम होगा, या हो सकता है पहली बार जब गीतांजलि जी ने कार्यक्रम देखने के बाद आके पीठ ठोकी और कहा हो कि आज तुमने बहुत ही कमाल का डांस किया, कुछ 2-3 कार्यक्रमों की यादें ताजा कीजिए। जी। तो एक प्रोग्राम, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, नॉट एक, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहे जहाँ पे मुझे ऑडियंस में से मेरे एक पर्टिकुलर पर्न परफॉर्म करने के बाद वंस मोर की फरमाइश आई कि आप फिर से करिए इसको, और बहुत हूटिंग होने लगी। तो वो मेरे जो कॉन्सर्ट्स रहे वो बहुत दिल के करीब हैं, क्योंकि ये एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने कुछ ऐसा किया कि ऑडियंस फिर से देखना चाहती है। नहीं तो दाद तो बहुत मिलती है, वाहवाही तो बहुत मिलती है, लेकिन दोबारा से वही चीज नृत्य में कम होता है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई मेरे कॉन्सर्ट्स हुए जिसमें मुझे वंस मोर कहा गया। फिर मेरे कुछ मतलब गुरु माँ तो हमेशा ही, मतलब उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, हमेशा मेरे कॉन्सर्ट्स के बाद में मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मैं उनके गाइडेंस के बिना कभी मंच पे गई ही नहीं। मैंने हमेशा उनसे गाइडेंस ली है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। मैं अपने गुरु से कभी बड़ी हो नहीं सकती, मैं हमेशा उनके सामने बच्ची ही रहूंगी। तो
तो मैं आज भी उसी मासूमियत से उस छोटे बच्चे की तरह उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ और उनकी गाइडेंस लेती हूँ। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, अपने गुरु का गाइडेंस मैं हमेशा, जब तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं हमेशा लेती रहूंगी। तो उन्होंने तो हर प्रोग्राम के बाद मुझे बहुत प्यार किया और बहुत कुछ मुझे सिखाया कि अच्छा नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे करना। तो ये प्रोग्राम्स मेरे बहुत दिल के करीब हैं। बाकी आई थिंक मेरे सारे प्रोग्राम में, जितने शोज करती हूँ, सब में कुछ एक ऐसी बात होती है कि वो दिल को छू छू जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रहे जिसमें बहुत परेशानी थी, बहुत बीमार थी, और बीमारी के बावजूद मैंने प्रोग्राम्स किए और प्रोग्राम्स के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो मेरे पापा जब भी प्रोग्राम मेरा होता है, वो हमेशा मुझे फोन करके पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा प्रोग्राम कैसा हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन मिला कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ हाँ जी पापा मिला। तो जब हर बार कहने लगे कि हाँ पापा स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो उन्होंने कहा बेटा आप स्टैंडिंग ओवेशन के आगे क्या, अब कुछ उसके आगे बढ़ो कि स्टैंडिंग ओवेशन के आगे भी कुछ मिले आपको। तो मैंने कहा पता नहीं पापा वो क्या क्या होगा, लेकिन भगवान की बहुत बहुत कृपा रही कि प्रोग्राम्स हमेशा बहुत अच्छे और सारे प्रोग्राम्स मेरे दिल के करीब है। जहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे आते हैं कि दीदी आपका घुंघरू दे दीजिए एज अ सुवेनियर, या आपका कोई दुपट्टा दे दीजिए, मैं सजा के रखूंगी। एक बार मैं बनारस में परफॉर्म कर रही थी, तो एक लड़का आया अहमदाबाद से और वो मेरा पोर्ट्रेट बना के लाया था। उसने कहा कि दीदी मैं दिल्ली नहीं आ सकता था, तो मुझे लगा बनारस आ जाता हूँ अहमदाबाद से, और ये पोर्ट्रेट मैं आपको नहीं दूंगा, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, उसके बाद ले जाके मैं इसको अपने घर में फ्रेम करके रखूंगा। तो इस तरीके की बातें जी, कला को लेकर जो ये जी सम्मान है वो और ज्यादा लोगों में हो तो कितना अच्छा होगा। अच्छा विदा, मुझे एक चीज और बताइए। मैं दो तरह की चीजें देख रहा हूँ। जैसे अगर हम ये जो रियलिटी शोज होते हैं, चाहे वो गायन के हों, चाहे डांस के हों, या ये जो कार्यक्रम भी हो रहे हैं आजकल, एक तरीका है कि हम स्टेज पर गए और हमने अपना जो कथक या शास्त्रीय गायन का जो एक तरीका है, जिसमें पहले खुद को अच्छा लगे और फिर सामने वाले बैठे व्यक्ति को आनंद आए, वो धीरे 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 उसके अर्थ को समझे, उसके भाव को समझे, और एक तरीका है कि बस गए और मतलब द्रुत लय में कुछ ऐसा गा दिया या कुछ ऐसा डांस कर दिया या कुछ ऐसी तेजी तैयारी दिखा दी कि सामने वाला चौंक जाए, सामने वाला हतप्रभ हो जाए कि अरे इतनी जल्दी तान कोई कैसे ले सकता है या इतना द्रुत लय से कोई डांस कैसे कर सकता है। ये दोनों थॉट प्रोसेस क्या सही है, क्या दोनों की ही जरूरत है इस वक्त, या दोनों में से आपको लगता है कि नहीं एक पक्ष ज्यादा बेहतर होना चाहिए? आप खुद को किस तरह का तैयार कलाकार मानती हैं? आप खुद को किस तरीके से स्टेज के लिए तैयार करती हैं? जी, तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अब किसी के पास समय नहीं है। तो जो पहले के कॉन्सर्ट्स होते थे, सोलो कॉन्सर्ट्स, मैं अपने गुरु से बहुत सारी उनकी कहानियां सुनती हूँ, जब दो दो ढाई ढाई घंटे वो सोलो परफॉर्म किया करती थी, या किसी एक आर्टिस्ट को दो से ढाई घंटे मिला करते थे। अब वो टाइम नहीं रहा, लोगों के पास समय नहीं है, और क्योंकि एक परफॉर्मिंग आर्ट है तो हमारे पास ऑडियंस नहीं होगी तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये जो टाइम है इसको कट शॉर्ट किया गया, और 30 से 40 मिनट का एक टाइम फ्रेम दिया जाता है किसी भी एक आर्टिस्ट को। तो उस 30 से 40 मिनट में आर्टिस्ट चाहता है कि मेरे पास जो भी बेस्ट है मैं सब सब दिखा दूं, आज इस कॉन्सर्ट में मैं अपनी इस ऑडियंस को वो सब दिखा दूं। और ये भी होता है कि ऑडियंस खुश भी हो, ताली भी बजाए, तो ज्यादातर तालियां ऐसा लगता है कि जब आप तेजी में आते हैं तभी तालियां मिलती हैं। बट मेरे हिसाब से हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब अपने प्रोग्राम को डिजाइन करती हूँ तो मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि विलंबित भी हो, मध्य भी हो, द्रुत भी हो, उसमें अभिनय भी हो और उसमें एक स्तुति या वंदना भी हो। मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ पूरे ग्राफ को। तो जब समय इतना मिला है तो मैं बहुत सारा तो नहीं कर सकती, तो विलंबित को शॉर्ट कर दिया, मध्य लय को शॉर्ट कर दिया, द्रुत को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि अब वो समय ही नहीं है कि हम एक घंटा, आप हार्डली सुनेंगे कि किसी का सोलो परफॉर्मेंस जो एक घंटे परफॉर्म किया, ये एक ड्रीम की तरह रह गया है। तो ये चेंज हम नहीं लाए, ये चेंज हम चाहते भी नहीं थे। हमको तो आप बोलो डेढ़ घंटे का प्रोग्राम, बहुत खुश हो जाएंगे, हर कलाकार खुश हो जाएगा कि अरे वाह मुझे डेढ़ घंटे का टाइम मिला, आज तो मैं वो सारी चीजें परफॉर्म कर पाऊंगी या कर पाऊंगा जो मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे इतना टाइम मिले। तो ये कलाकार ने ये चेंज नहीं किया, ये चेंज जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि
मतलब ऑर्गेनाइजर्स ही कहूंगी, ऑडियंस जो है उन्होंने ये चेंज लाया है कि इतने बड़े शोज अभी भी आप देखिए जो थिएटर है प्लेज हैं वो आज भी ढाई ढाई तीन तीन घंटे के होते हैं जिनके बीच में इंटरवल होता है और उनकी ऑडियंस पूरी होती है, कोई जाती नहीं है, और हमेशा से टिकेटेड शोज होते हैं। पर क्लासिकल डांस को हमेशा से फ्री प्रेजेंट किया गया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। अभी क्या होता है कि बड़े से बड़ा कलाकार भी आता है तो भी ऑडियंस सोचती है कि मैं यहाँ जाऊं कि अरे आज मेरे घर पे डिनर पे लोग आ रहे हैं कि छोड़ देते हैं आज, तो वो वैल्यू खत्म हो गई। प्रॉब्लम इज दिस, समय के साथ साथ इसकी भी प्रॉब्लम हो गई। चलिए, समय के साथ बदलाव हर चीज में आता है, और जो बात आपने कही कि ऑडियंस और ऑर्गेनाइजर्स ने ये बदलाव वक्त की जरूरत की मुताबिक किया है, लेकिन कलाकार को पहले, सबसे पहले खुद को आनंद आना चाहिए, फिर अपने आप वो आनंद श्रोताओं तक, दर्शकों तक जाएगा ही। जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और एक जर्नी को पूरा हम लोगों ने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू।